और हमें मिलता क्या है, एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ। अब आप बताइए, एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ कैन बिहेव एज अ ह्यूमन रिसोर्स? आप वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज गौरव शर्मा एंड आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीआर मेडिकल कॉलेज एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल दैट इज इंटरनल बायोलॉजी बाय गौरव शर्मा। द रीसेंट न्यूज एंड ट्रेंड इज दैट द नीट रिजल्ट हैज बीन अराइव्ड ऑन द एनडीए साइट, बट अनफॉर्चुनेटली द साइट हैज बीन क्रैश। But however, many students have reached to their results and the expected results were not the same as what the result is showing. I have few quite examples to show to you and then a few questions asking the agency, that is NTA, about the future of education in the India. So, as you can see, the person who has got mark 661 has got rank 2023. It is higher than expected. And on the other hand, as you can see, the marks of second candidate is around 627 and the rank is near to 10,000. The third you can see is that the on the marks of 595, the person is getting rank about 23,000. And as we go more backward, when we reach to marks about 560 to 563, we have rank about 40,400. So this shows that what the hell is going here. See, अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा, अगर मैं भी होता तो हम क्या सोचते हैं, what the child would think कि इन द इन्वर्टेड कॉमास इतना लाने पर भी, इतना दिस आर द एक्चुअल वर्ड्स, इतना लाने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज द सिचुएशन गोइंग ऑन राइट नाउ। द स्टूडेंट्स आर फार मोर ट्राइंग टू रीच अबव 600, द कट ऑफ इज गोइंग वन स्टेप फार्दर फ्रॉम देम। इस बार आई डोंट थिंक सो दैट कट ऑफ विल बी 600, द कट ऑफ as expected now is more than 625. So yeah, that's a higher score, and earlier students were thinking that they are safe in the range of 590 to 610 or 20, but now surely the cutoff is 625 plus. Now this leads to me to ask question to the agency that what are they doing? Is their purpose of taking this NEET examination is just to pass students or just to take the exam as formality in the medical education? Rather, they must try to take the quality candidates by making a paper a little tough. I'm not saying make it tough because इस paper में भी कई बच्चे अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन नीट के पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो पिछले दो सालों में काफ़ी नीचे आ चुका है। अर्लियर इन द 2018 व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, वी वर इन द 11th स्टैंडर्ड, वी हैड अ थॉट इन आवर माइंड दैट 550 इज अवर क्रॉसिंग मार्क्स, दैट इफ यू क्रॉस 550 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट। बट व्हेन वी गिव नीट, दैट इज नीट 2019, वी थॉट दैट नाउ the benchmark or the crossing marks have been increased from 550 to 570 or 580 in some states as in Rajasthan. And in this year we are just seeing another a big jump, a long jump in the cutoff, that is from 550 to 570, and now from 570 it has gone approximately up to 630 marks. Scoring 630 marks is really a tougher task, but now this higher amount of what you can say score. तो मेरी कहने का बात ये है कि जब आप कट ऑफ को इतना हाई कर देंगे तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि उस रेंज में बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे, उससे दिक्कत आपको ही आएगी कि किस कैंडिडेट को सीट दें किसको नहीं दें। I know there are a lot of parameters which decide the rank, but as long as you will increase this cutoff,
उस रेंज में इतने सारे बच्चे आ जाएंगे कि आपके वो पैरामीटर्स भी फेल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सी, वी नेवर क्वेश्चन द कंटेंट एंड द कैलिबर ऑफ एम्स, वी नेवर चैलेंज द कंटेंट एंड कैलिबर एंड क्वालिटी ऑफ पेपर ऑफ जेई एडवांस जेई मेन्स, वी कैन नॉट क्वेश्चन द कंटेंट द क्वालिटी एंड द कैलिबर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन व्हाई यू आर डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ नीट एग्जामिनेशन। डॉक्टर्स इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, डॉक्टर्स इन इंडिया आर नॉट नीडेड इन क्वांटिटी। रिमेंबर, फर्स्ट देयर मस्ट बी क्वालिटी, एंड इफ यू डिग्रेड दिस क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द कट ऑफ, बाय मेकिंग द पेपर इजी, एंड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट्स, एंड बाय ओपनिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, देन दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प अस। दिस इज अ जनरल मैसेज आई वॉन्ट टू गिव। देखिए दूसरी चीज़ और, आज के टाइम पे भी आप देखिए, डॉक्टर्स जो इंटर्नशिप करते हैं दे हैव गॉट अ स्टाइपेंड, तो वो स्टाइपेंड भी सफिशिएंट नहीं मिलता डॉक्टर्स को। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो 7000 रुपीज़ पर मंथ इज गिवन टू द इंटर्न्स, और अगर हम इसको महीने का लगा लें तो 233 रुपीज़ आई थिंक, है ना। तो जो दिहाड़ी मजदूर करता है काम, उससे भी कम इनको आप अभी पे कर रहे हैं। तो जब आप अपनी जो डॉक्टर्स की जो नंबर है उसको बेमतलब में ही बढ़ा देंगे, तो फिर आप उनको पे कैसे करेंगे? इसके बाद फिर से डॉक्टर्स में भी बेरोज़गारी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम आज इंजीनियर्स का मजाक बनाते हैं कि अब तो गली गली में इंजीनियर्स घूम रहे हैं, तो उसी तरह कुछ आने वाले सालों में हम डॉक्टर्स का भी मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए हर प्रोफेशन की जो क्वालिटी होती है उसे मेंटेन करना गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोफेशन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए इससे देखिए, जब ये कट ऑफ बढ़ जाती है तो बच्चे भी होपलेस हो जाते हैं, और हमें मिलता क्या है? एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ। अब आप बताइए, एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ कैन बिहेव एज अ ह्यूमन रिसोर्स? आप आंसर करिए कमेंट्स में कि कैन अ फ्रस्ट्रेटेड यूथ अगेंस्ट द सिस्टम कैन एक्ट एज अ ह्यूमन रिसोर्स? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए आई मस्ट सजेस्ट कि हमें हर इंडिविजुअल की क्वालिटी को पहचानना होगा, हर इंडिविजुअल के कैलिबर को देखना होगा, उसके अनुसार उसको उसके लिए प्रोफेशनली ट्रेन करना होगा। इंडिया में स्कोप हर चीज़ का है, बिकॉज इट इज़ सच अ वास्ट कंट्री। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है? यहाँ के टैलेंट को ले जाते हैं विदेश वाले मल्टीनेशनल कंपनीज, वी ऑल नो। तो इसलिए हमें हर व्यक्ति के टैलेंट को उसका प्रोफेशन बनाने में हेल्प करनी चाहिए। जनरली हम क्या देखते हैं हमारी सोसाइटी में, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, आर्ट्स लिया तो यूपीएससी करो या प्रोफेसर बन जाओ। मतलब आई कैन शो यू व्हाट द टिपिकल इंडियन कल्चर हैज़ इट्स प्रोफेशन। गिनती के 5 से 6 प्रोफेशन को ही इंडियंस प्रोफेशन मानते हैं। तो ये दिक्कत हमारे इंडिया में प्रिवेल कर रही है, और इसको हमें मिटाना होगा। और जैसा कि एक सजेशन है मेरा, यूथ को मैसेज है कि देखिए, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये फील्ड आपके लिए ना हो, कोई और अच्छी फील्ड आपके लिए वेट कर रही हो, और वो आपको कब मिल पाएगी? जब आप इससे अपना पीछा छुटाओगे। तो फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है, जितना टाइम आप फ्रस्ट्रेशन में वेस्ट करें उससे अच्छा आप ये सोचने में उसको लगाइए कि आपका टैलेंट क्या है और आप कहाँ आगे जा सकते हैं, और ख़ुद के स्टार्टअप्स यूज़ करिए। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो भी टेक्निक सीखी तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिले। मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही डॉक्टर बनने के बाद, क्योंकि अगर आपके अंदर जो चीज़ आपने करी है उसके आप मास्टर्स हो तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक सो, है ना। तो इसीलिए अपने आप को केपेबल बनाइए और अपने टैलेंट को ही आगे परस्यू करिए,
नया एजुकेशन पॉलिसी भी अब तो यही कर रहा है, होपफुली इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। इट वॉज अ क्वाइट मोटिवेशन ऑल्सो इफ़ यू गेट मोटिवेटेड। ओके, तो कहना यही चाहूँगा कि जो भी नीट में अच्छे मार्क्स लाए हैं उन्हें मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल एंड गुड। और जो बॉर्डर पर रह गए या फिर सोच रहे थे कि हमारे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू नो कोई भरोसा नहीं हो सकता इन चीज़ों का, तो उनसे बस यही कहूँगा कि इफ़ यू रियली थिंक दैट यू आर फॉर दिस प्रोफेशन, अपने मन से ही पूछिएगा कि इफ़ यू रियली थिंक दैट यू आर रियली मेड फॉर दिस प्रोफेशन, देन टेक अ ड्रॉप और प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। वी हैव फिजिक्स वाला सर एंड आई विल पर्सनली टीच बायोलॉजी ऑन यूट्यूब, नो अन अकेडमी, नो पेड, है ना। और केमिस्ट्री का भी काफ़ी होंगे, है ना, ढूंढ लीजिएगा, यूट्यूब है, बहुत कुछ देख सकते हैं। शिद्दत से टाइम मैनेजमेंट करिए, मई में फिर से एग्ज़ाम होएगा, उसके लिए मेहनत करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करिए। और जो भी मुझे सुन रहे हैं वो अपने मार्क्स और रैंक ज़रूर बताइए, क्योंकि उसके बाद मैं एक काउंसलिंग के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहूँगा, जिससे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग के लिए कोई कुछ मैटर बताता है, कोई कुछ मैटर बताता है, तो मैं वो पूरा बता दूंगा आपको काउंसलिंग से रिलेटेड। और रिज़ल्ट आने के 10 या 15 दिन बाद MCI की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन MCI अब पूरी तरह से वो हो चुकी है, उसको समाप्त कर दिया है ना। तो अब देखिए कैसा क्या होता है। वैसे नोटिफिकेशन आएगा मेडिकल एजुकेशन पे, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा उससे। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखिए, है ना, और जो भी ड्रॉप लिए हैं वो गैप सर्टिफिकेट बनवा दें। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेंगे तो अपने लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, ये 2-3 डायग्राम, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा आपको, लेकिन ये मोटे मोटे मैंने बता दिया कि ये 2-3 तो बनवा ही लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये थोड़ा एनालिसिस कम मोटिवेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत ज़रूर है। ओके, सो विद दिस आई एंड माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।